हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके मैथ्स का जो चैप्टर है 11वां, रचनाएं, उसके बारे में। यहाँ से आपसे कौन पूछे जाएंगे कि 30 डिग्री कैसे बनाओगे, 75 कैसे बनाओगे। इनकी रचना भी पूछ सकते हैं कि हमने सबसे पहले बी और सी एक लाइन खींची, बी पॉइंट पर रखकर एक चाप काटा। इस प्रकार से रचना भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो कोण बनाने आपको आने ही चाहिए। यहाँ से कोण जो मेन पूछे जाते हैं, 30 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री तो क्योंकि हर किसी को पता है, बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने शामिल नहीं किया है। सीधी लाइन खींची, यहाँ पे प्रकार रखा और ऐसे एक चाप काटा जाता है। फिर उसी माप का यहाँ पे एक चाप करता है, एक यहाँ करता है और एक ऊपर करता है इस बिंदु से, और एक इस बिंदु से कटता इधर। इन दोनों को जब मिला लेते हैं तो 90 हो जाता है, ये आप जानते हैं और कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन अपने जो 30 डिग्री होता है वो कैसे होता है, वो उससे भी ज़्यादा सिंपल। कैसे, ये जो सीधी लाइन खींच दी BC, फिर हम P पे रख के एक ऐसे चाप काटेंगे, ठीक है। फिर एक P पे पॉइंट रख के इधर से एक ऐसे आर्क काटेंगे, ये 60 डिग्री। पहला जो होता है 60 होता है, 60 का आधा कौन होता है, 30 होता है। तो एक बार P पे रख के इधर चाप और एक बार Q पे रख के इधर चाप, ये अपने बन जाएगा कितने डिग्री, 30 डिग्री। इसी प्रकार से अपने 75 डिग्री है, 75 किसका आधा होता है कि 75 आता है अपने 60 और 90 के बीच में। तो हम क्या बनाएंगे, पहले सा ये ऐसे चाप काटा, ये बन गया अपने 60, ये बन गया 120। अब 60 और 120 के बीच में 90 बनाया। अब 60 और ये जो 90 है इस पे हमने एक रख के ऐसे चाप काटेंगे और ऐसे 75 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो उसे हम कहेंगे 75 डिग्री का कोण, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये हमने 60 डिग्री का बनाया इधर, ये बनाया आपने कितने, 90 डिग्री का, और इनके बीच में ये जो है 75 डिग्री, जो अपने बी और ये ए है ना, ए बी, ये अपना 75 डिग्री होगा। इस प्रकार से ध्यान रखना। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है इसमें शामिल, ये पूछे जाते हैं कि कोई एक रेखा खींचिए। हमने कहा ठीक है, कितनी खींचे कि 20 से 60 सेमी खींच दी। अब बी पे 75 डिग्री कोण बनाइए, तो बी पे चंदे की सहायता से आप 75 कोण बना लीजिए, ऐसे लाइन खींच दीजिए। फिर बोला ए बी प्लस ए सी है 13 सेंटीमीटर, जितना ये प्लस करके दे रखा होता ना एंगल वाली लाइन पे, उतनी लंबी लाइन बना दो, एंगल इन कोण वाली लाइन। तो हमने ये यहाँ पे बी पे रखा और 13 सेंटीमीटर पे इधर चाप काट दिया, फिर हमने इसको मिला दिया, ठीक है, मिला दिया। अब क्या करना, जहाँ 13 सेंटीमीटर पे चाप कटा है उस पॉइंट को हम सी से मिला देंगे, मिला दिया। अब किसी भी लाइन का समद्विभाजक समझिएगा, जिस भी लाइन को आपको समद्विभाजित करना हो उसके पहले पॉइंट पे यहाँ प्रकार रखेंगे पेंसिल से, एक इधर चाप कटेंगे और एक इधर काटेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ रखेंगे, ठीक है, और एक इधर चाप काटेंगे, एक इधर काटेंगे। तो ये जो लाइन हमने खींची है ना, इस लाइन का हो गया समद्विभाजक। अब ये लाइन जहाँ अपने, जहाँ हमने कोण बना रखा उस पे जहाँ कट होगी वो अपना आंसर होगा। तो ये जो लाइन है यहाँ पे कट हो रही है, ठीक है, तो ये अपना त्रिभुज बन जाएगा ये वाला, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें आप अगर जोड़ोगे ए बी और ए सी को, ये ए बी और ए सी इन जोड़ोगे तो 13 सेंटीमीटर ये इनका जोड़ आएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस एक बार प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि BC 8 सेंटीमीटर, नीचे जितना बोला उतनी लाइन खींच दो। अब जिस पे कोण बोला उस पे कोण बना दो 45 डिग्री, 90 का आधा, ठीक है। अब बोला है AB माइनस AC कितना, 3.5। जो तो जहाँ कोण बना है ना उसी पे हम बनाएंगे 3.5, सॉरी है ना, सॉरी। तो जहाँ पे कोण बनाया उधर ही हमने खींची है एक लाइन जिस पे हमने 3.5 सेंटीमीटर पे काट दिया, यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे चाप काट दिया। अब जहाँ कटा उस लाइन को हम मिला देंगे, मिला दिया। अब जो लाइन हम मिलाते हैं ना उसका हमेशा समद्विभाजन करते हैं, हमने अभी ऊपर किया, तो इस लाइन का भी हम क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। कहने का मतलब एक बार यहाँ पर का रखे ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे चाप, और एक बार इस लाइन के यहाँ रख के ऐसे चाप काट देंगे। अब इस लाइन को खींच देंगे, अब ये जहाँ लाइन कोण के कट होगी, कोण वाली लाइन के, वो अपना पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना पॉइंट मिल गया और ये हमें त्रिभुज मिल गया। और आंसर चेक करने के लिए जब हम इस ए बी में से ये ए सी घटाएंगे तो अपने 3.5 आंसर आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने 11वें प्रश्नावली के, इससे बाहर क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया पेपर में। हाँ, एक समबाहु त्रिभुज की रचना पूछा, समबाहु यानी 5 सेमी वाले समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो सीधे सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दो, ठीक है, फिर प्रकार को यहाँ रख के इतना बड़ा खोल दो,
खोलने के बाद सीधा प्रकार को उठा के इधर चाप काटो, और एक बार इधर से रख के 5 सेंटीमीटर इधर चाप काटो, ये समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा नहीं पूछा गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।